हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर रैशनल नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बतलाऊँगा। तो प्रॉपर्टीज़ यानी गुण विशेषता, उनके गुण विशेषता। तो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताने से पहले रैशनल नंबर का डेफिनेशन दे दे रहा हूँ। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन ये होता है, नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो। तो मैं आपको यहाँ लिखा भी हूँ, पी क्यू जो फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो डिनोमिनेटर यानी क्यू है वो ज़ीरो नहीं होता है। तो मैं अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बतला देता हूँ। तो यहाँ लिखा हूँ मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। तो पहला प्रॉपर्टीज़ है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर यानी तो आप जानते ही होंगे, जो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव में रहता है उसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो ज़ीरो के, ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है, बताए दोस्तों ज़ीरो होता है, ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है। तो देखिए, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो ये भी एक बहुत विशेषता है रैशनल नंबर का, एक प्रॉपर्टीज़ है। अब मैं आपको दूसरा विशेषता बताता हूँ, यानी प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड अ रिकरिंग डेसिमल इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आप जानते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये एक ये होता है कि जैसे कि आप उसको पूरा काट सकते हैं। जैसे कि कोई आप नंबर लिए तो आप उसको अगर वो नहीं कट रहा है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, और अगर पूरा कट के लास्ट में ज़ीरो आया तो वो टर्मिनेटिंग यानी पूरा ख़त्म हो जाना, अंत तक पूरा ख़त्म हो जाना। और रिमाइंडर उसका मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आए, और रिकरिंग डेसिमल यानी कि वही नंबर दोबारा आए। मैं आपको इसका एग्जांपल बाद में दिखलाऊंगा, लेकिन रिकरिंग डेसिमल यानी कि दोबारा आना, जैसे कि आप कोई नंबर को डिवाइड किए तो वह नंबर दोबारा आते जा रहा है, यानी कि दोबारा आना। उसके बाद मैं आपको तीसरा प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा, अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर ज़ीरो इज़ नॉट अ रैशनल नंबर एज डिविजन बाई अनडिफाइंड। अब मैंने आपको दोस्त बताया था कि क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो होता नहीं है, यहाँ पे मैं आपको दिखाया हूँ कि क्यू इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो, यानी तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको फोर्थ चौथवा प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, अपोजिट्स एडिटिव अपोजिट्स यानी कि उल्टा। उल्टा तो आप जानते होंगे, विलोम शब्द, विलोम पढ़े होंगे, अपोजिट, तो उसी को एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में। अपोजिट यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ ऑल फ्रैक्शन आर आल्सो अ रैशनल नंबर। किसी भी एडिटिव इनवर्स भी एक रैशनल नंबर होता है, जैसे कि कोई नंबर का उल्टा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव। तो दोस्तों, आज कन्वर्टिंग और रिकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, तो मैं आज आपको ये सिखलाऊंगा कि कैसे रिकरिंग डेसिमल को पी बाय क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है यानी बदला जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल लिया हूँ वो गलत ले लिया हूँ, मैं टर्मिनेटिंग का ले लिया हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं इसके बाद जो एग्ज़ाम्पल दिखाऊंगा उसमें मैं रिकरिंग का ले लूँगा, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, तो ये 0.00026 है नंबर। तो देखिए, तो यहाँ मैं x मान लूँगा, तो x इक्वल टू 0.00026 है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1, 10, 100, 10,000, 10,000 lakh, यानी 1 lakh यहाँ पे हो गया इक्वल टू 26। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 26 अपॉन 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 10, 100,000, 10,000 lakh। तो इसको अब हम क्या करेंगे, डिवाइड में आ गया है तो दोस्तों, तो इसको अब हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो ये किससे कट रहा है आप जानते हैं, अब ये 2 से कट रहा है। देखिए, ये हो जाएगा 2 13 जा, और ये हो जाएगा 2
50,000. Ones, tens, 100,000, 10,000, 50,000. So x square to kya ho jayega? 30 by 30, sorry dosto, 1 likha gaya. 13 by 1, 2, 3, 4. Ones, tens, 100,000, 10,000. So x ka kya aa gaya answer dosto? X ka answer aa gaya 13 by 50,000. तो ये आप सीख लिए होंगे. तो मैं अब आपको दूसरा एग्जांपल में दिखाऊंगा रिकरिंग डेसिमल का. ये मेरे से गलती से टर्मिनेटिंग डेसिमल का होगा. हाँ तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि इसके पहले वाला जो एग्जांपल था वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का था, इसलिए मैं आप दूसरा एग्जांपल में रिकरिंग डेसिमल का एग्जांपल ले लिया हूँ. तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे है क्वेश्चन है 0.6315, ऊपर बार है. रैशनल नंबर में इस बार का मतलब होता है ये जो नंबर है 6315, इसका रिपीटेशन, यानी ये दोबारा दोबारा लिखाते जाएगा. जैसे कि 6315 है, तो फिर इसलिए हम बार देते हैं क्योंकि हमको बार बार दोबारा लिखना ना पड़े. इस बार से हमको मालूम चलता है कि ये दोबारा दोबारा लिखा गया है. तो मैं अब आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ. तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा एस इक्वल टू 0.6315. हाँ, यहाँ पे कितना डिजिट है दोस्तों, आप जान सकते हैं. यहाँ पे है 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 1, 2, 3, 4. यहाँ पे मैं 4 0 लगा दूंगा. x इक्वल टू 6315.6315. अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैं 4 0 लगा दिया और इस पॉइंट को 6315 के लेफ्ट साइड यानी राइट साइड, सॉरी दोस्तों, राइट साइड मैंने पॉइंट को रख दिया. और ये बार है, यानी कि ये दोबारा दोबारा फिर चलते जाएगा. तो मैं अब आपको दिखा दूंगा कि अब इसको माइनस करेंगे. तो ये देखिए, तो ये हो गया. अब एक्स इक्वल टू क्या है, 0.6315. ये हो गया आपका, अब इसको करना है माइनस. तो ये कटा कटा 0 0, इधर जितना भी है सब कटते जाएगा दोस्तों, आपको मालूम होगा क्योंकि ये रिपीटेशन होते जा रहा है. और यहाँ पे पॉइंट बैठा और ये हुआ, यहाँ 0 है तो यहाँ होगा 5136. ये हुआ. उसके बाद फिर यहाँ पे है 10,000. तो 10,000 में से x गया यानी 1 गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9,999 x इक्वल टू 6315 x. तो अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, x इक्वल टू 6315. हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 6315/3333. तो ये अब कौन सा नंबर से कटेगा आप दोस्त जानते हैं, अब ये नंबर से कटेगा. हाँ तो दोस्तों, 6315/9999. सॉरी दोस्तों, इसके पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया था 3333, तो मेरे से गलती से लिखा गई थी भूल में. तो अब मैं इसको काटूंगा. तो देखिए, ये किस नंबर से कटेगा दोस्तों, ये कटेगा 3 से. तो ये 3 से कटा 2105, और ये कट जाएगा 3333. यही दोस्तों, मैं यहाँ पे गलती से लिख दिया था इसका आंसर, तो मेरी भूल है, तो आप मुझे क्षमा करिए. इसका आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू बाय 333. तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी. तो अगर आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में अगर आपको कुछ गलती लगे, आप बना ना पाएँ, अगर आप बना ना पाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख के भेज दीजिएगा. तो क्वेश्चन लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा
मेरे बहुत जल्दी ही अगले YouTube जब वीडियो बनाऊंगा तो उसी क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं आए तो। और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।